हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने जो SCERT DLED पैट का अभी रिजल्ट हुआ है, सो उसके रिगार्डिंग मतलब पूरा एडमिशन प्रोसीड्योर कैसे होगा इसके रिगार्डिंग आज ये वीडियो लेके आया हूँ। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना। और देखो, ऑनलाइन क्लास साथ ही साथ मॉक टेस्ट चल रहा है असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 का ग्रेजुएट लेवल के लिए। सो आप लोग ज्वाइन कर लो रुबेल सर अकेडमी ओनली 200 रुपीज़, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आपको प्रीवियस PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोगों को पे करना होगा थ्रू UPI यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ और प्रीवियस PDF प्रोवाइड कर सकूँ। सो देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स शेड्यूल फॉर एडमिशन प्रोसेस ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED जो कोर्स है फॉर द सेशन ऑफ 2024-26। ठीक है, तो नंबर वन देख लो, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये हो गया फ्रॉम 20/07/2024 to 18/08/2024, ये ख़त्म। उसके बाद देखो, एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया था 1 सितंबर को, उसके बाद एग्ज़ाम भी दे दिया था। तो जिन्होंने दिया था एग्ज़ाम उनका रिजल्ट भी आ गया। देखो, आज डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 23/09/2024। अभी देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ऑनलाइन काउंसिलिंग फर्स्ट फेज, तो इंस्ट्रक्शन विल बी प्रोवाइडेड इन टाइम, तो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। सो देखो, इम्पोर्टेंट, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन काउंसिलिंग। तो आपको मतलब कह सकते हैं, ऑनलाइन काउंसिलिंग पे अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपका मतलब कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है ऑनलाइन काउंसिलिंग। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि ऑनलाइन काउंसिलिंग क्या है, तो ये फर्स्ट फेज है। तो इस पर देखो, स्टार्ट कब होगा, देखो 24/09/2024 यानी कल से मतलब आप लोग ऑनलाइन काउंसिलिंग कर सकते हो टू 27/09/2024। इस पर क्या करना है आप लोग, देखो ऑनलाइन जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसके बाद लॉगिन करके आप लोग क्या करना है, बस जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो सिलेक्ट करना है। तो इसको कहते हैं ऑनलाइन काउंसिलिंग, तो आप लोग वो करना होगा। तो कल से शुरू हो रहा है, तो आप लोग सब लोग मतलब कह सकते हैं ये ऑनलाइन काउंसिलिंग पे पार्टिसिपेट करना। और क्या कहे, आपका जो सिलेक्शन इंस्टीट्यूशन है, सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन, वो सिलेक्ट कर लेना आप लोग। तो ये 24/09/2024 से 27/09/2024 तक है। उसके बाद क्या होगा, देखो रिजल्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन राउंड वन, तो उसके बाद आपको पता चलेगा आपका मतलब कौन से इंस्टीट्यूशन पे आपको दिया गया। ठीक है, तो देखो आप लोग मतलब ऑनलाइन काउंसिलिंग पे क्या होना है, अपना इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करना है ऑनलाइन जाके। तो लास्ट ईयर भी मेरे स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया था, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो इस बार भी सेम चीज़ रहेगा, तो आप लोग कल ऑनलाइन काउंसिलिंग कर लेना, कल या परसों यानी 27 सितंबर से पहले कर लेना। उसके बाद देखो रिजल्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, उसके बाद कहाँ पे आप लोगों को मिला, तो ये देखो 30/09/2024। ठीक है, इस पे मतलब इस डेट से उस डेट ऐसा कुछ नहीं है, इसी तारीख को मतलब कह सकते आपका रिजल्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ये आ जाएगा। उसके बाद देखो 7, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एडमिशन विथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द एलॉटेड इंस्टीट्यूट विथ पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस। तो पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस साथ ही साथ फिजिकल जो एडमिशन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, जो आपका मतलब कह सकते हैं जब अलॉटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट दिया जाएगा, तब आप लोग उसी इंस्टीट्यूट पे जाके फिजिकल एडमिशन के लिए आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, साथ ही साथ आप लोगों को एडमिशन फीस भी पे करना होगा। सो इसका डेट है देखो 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद देखो 8 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नंबर 8, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन रिपोर्ट एंड वैकेंसी लिस्ट बाय द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन, वो दे देंगे, ठीक है, बाय द देखो 4 अक्टूबर 2024 बिफोर 5 PM। उसके बाद जितने लोगों ने एडमिशन लिया, उसके बाद अगर नहीं लेते तो क्या होगा, उसके बाद देखो पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी लिस्ट एंड कट ऑफ मार्क ये पब्लिश हो जाएगा कब, 5 अक्टूबर 2024। उसके बाद देखो कितना अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, यह सब मतलब सब कुछ पता चल जाएगा आपका 5 अक्टूबर को। उसके बाद देखो रिजल्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ये राउंड 2, तो राउंड 2 कब मतलब कह सकती है आपका जो इंस्टीट्यूशन को अलॉटमेंट होगा, तो ये 7 अक्टूबर 2024। उसके बाद इसका भी जिनका मतलब कह सकती है नाम आएगा, वो फिजिकल एडमिशन विथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट विथ पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस, तो ये देखो 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर यानी 2 ही दिन मिलेगा आप लोगों को
उसके बाद देखो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन रिपोर्ट एंड वैकेंसी लिस्ट रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन, ये 15 तारीख यानी 15 अक्टूबर 2024 बिफोर 5 PM ये मतलब कह सकते दे देंगे। उसके बाद देखो नंबर 3 पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी लिस्ट एंड कट ऑफ मार्क, ये आ जाएगा देखो 16 अक्टूबर 2024। उसके बाद देखो इसका भी ऑनलाइन काउंसिलिंग रहेगा सेकंड फेज पे फॉर रिवीजन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेफरेंस ऑफ द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आपका मतलब रिवीजन या कह सकते आप लोग अगर थोड़ा सा मॉडिफाई किए, जैसे दो इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किया, उसके बाद उस इंस्टीट्यूट पे जैसे काछड़ पे दो ही इंस्टीट्यूट है, एक है डायट काछड़ जो उधरबंद पे है हमारे एरिया पे, उसके बाद दूसरा है नॉर्मल स्कूल ये जेल रूट के पास है। तो दो इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको अगर मॉडिफिकेशन करना है चेंज करना है देखो इसका इंस्ट्रक्शन विल बी प्रोवाइडेड इन टाइम दिया जाएगा देखो 17 अक्टूबर 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक ये ऑनलाइन काउंसिलिंग रहेगा सेकेंड फेज का। उसके बाद देखो रिजल्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, ये देखो राउंड 3 ये 22 अक्टूबर 2024 को ये रिलीज हो जाएगा। उसके बाद देखो फिजिकल जो एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 23 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर 2024 ये तक रहेगा। उसके बाद देखो ऑनलाइन सबमिशन जो रिपोर्ट होगा इंस्टीट्यूट वो सबमिट करेंगे 25 अक्टूबर 2024 बिफोर 5 PM। उसके बाद देखो पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी लिस्ट कट ऑफ ये सब आ जाएगा बाय द 28 अक्टूबर 2024। यह देखो नोट है डेट मेंशन इन द अबव शेड्यूल मे बी चेंज, ये चेंज हो सकता है ड्यू कोर्स ऑन टाइम। ऑल द कंसर्न आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ये SCERT.co.in। फ्रॉम द टाइम टू टाइम आप लोग विजिट करना और मैं भी आप सबको बताऊंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ भी कन्फ्यूजन रहे तो आई थिंक किसी को कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, तो कुछ भी अगर कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच।